और देखिए मुखिया प्रत्याशी रहते हुए ग्राम रमल बीघा को घर का उजाड़ा जा रहा है, पूरा गहराई से खोद दिया है ताकि घर नीचे हो जाए और मैंने इस बार वर्षा होगा तो निश्चित रूप से सब क्षति हो जाएगी। तो ये सब मूर्तियाँ मुखिया प्रत्याशी को देखना चाहिए न, क्योंकि वो पंचायत का राजा कहलाते हैं, उनको जनता चुनी है तो अच्छा खराब देखना चाहिए। अरे नाली तो मान ले ये लोग मनमानी किया है, मनमानी कर करके खाना गया है, नाला तो ऐसे नहीं खाना जाता है, ऐसे इस ढंग से किया है वो तो देखने का चीज़ है। ये कौन किया है, मुखिया किया, ग्रामीण किया है? ना ये मोहन यादव का बेटा किया है, तो अपना जीसीबी से। अब मुखिया का मैंने सपोर्ट है तब तो किया, बिना मुखिया के सपोर्ट के उसका हिम्मत होता? तो मुखिया का ही काम है वो? हाँ वो सब मुखिया का काम है। अगर यदि वो अगर चाहता कि नहीं भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, नाला नाला पानी से मतलब है और घर गिराने से क्या मतलब है? उसमें लोग जिसका था सटा हुआ ज़मीन वो लिट्टी सेंक लिया एक बहाना बना करके कि पानी खोद रहे हैं फलना कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग का भी गांव में कोई संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट क्या रहेगा, रो रहा है जिसका घर जा रहा है, जिसका पाया गिर रहा है, जिसका गाछ गिर रहा है, वो मनमानी ढंग से दबंगई किया है। गांव वाला कुछ नहीं बोलेगा? नहीं क्या बोलेगा, अभी वहाँ सब लाठी पहना लेकर के था तो गांव वाला बेचारा क्या बोलेगा? लाठी पहना लेके भी? हाँ भाई लाठी पहना भी था और कहता था जे एकदम उजाड़ दे यहाँ से हटाओ। सबसे पहले सच्चाई आज तक चैनल के माध्यम से आपको हार्दिक बधाई हो। सर अभी जो है भलोई पंचायत के जनता विकास के लेकर के जो है तरस रहे हैं, कहीं भी पूछा जा रहा है, कोई भी योजना में पूछा जा रहा है, कोई भी संतुष्ट नहीं बता रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? धरातल पर काम तो हुआ नहीं, फर्जीवाड़ा से पैसा निकासी हुआ है और उसमें जनता कितना संतुष्ट रहेगा। जो भरोसा से लोग मुखिया प्रत्याशी को चुना उस पर खड़ा नहीं उतरे, अब क्या मिलेगा? अब तो लास्ट समय चल रहा है तो उसमें विकास अब क्या नज़र आएगा? उसके बाद भी मैंने सुनते हैं केस मुकदमा फिर हो गया तो बेचारा वो लोग क्या करेंगे, अपना वो बचाव देखेंगे कि विकास करेंगे? यही तो मैंने सुनने को मिल रहा है जी। हाँ और शब्द बोला गया क्या है आपका, अब क्या रहेगा सर, जिसे आप भी प्रतिनिधि हैं और समाज के बीच आप आ भी रहे हैं, हाँ क्या उम्मीद करे जनता आपसे? जैसे उम्मीद करेगा तो जब जगह हमको देगा तब ना उम्मीद का मौका मिलेगा, तो वही तो बोल रहे हैं सबको कि जैसे पहले बोला कि अब छोटी कलकत्ता हो जाएगा हमारा पंचायत, कहाँ कहीं मैंने नज़र आ रहा है वैसा कोई विकास, पैसा लूटने का काम किया गया है हर जगह सब जगह। ऐसा कभी आप सोचे थे आपको लोग? नहीं कभी नहीं सोचा, क्या लोग अंधविश्वास था, विश्वास करके किया कि नहीं भाई इस बार बढ़िया प्रत्याशी है काम करेगा, लेकिन आशा पर पानी फिर गया। 100% फिर गया कि 50%? नहीं 100% 50% उसको कैसे कहा जाए, अब लास्ट हो गए 25 के बाद तो कोई कामे नहीं होगा, 6 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगा तो 25 तक में अब क्या होगा, 24 खत्म है, अब विकास का काम नहीं है उसमें कने कने क्या हुआ है, उल्टा सीधा नहीं हुआ है, उसमें लोग फंस गए हैं तो उसमें तो अब मान लीजिए वो अपना बचाव ना पहले सोचेंगे उसके बाद ना विकास सोचेंगे। जी जी देखने वाला कोई नहीं देखने वाला है, उनके सामने कौन बोलेगा? अब जो भी समुदाय भवन मिला है सब अपने अपने कब्जा में ले लिया है, जो समुदाय भवन वो बनवाए हैं सब देखिए अपना अपना घर बना लिया उसमें, जबकि सामाजिक काम होना चाहिए, समाज के हित के लिए होना चाहिए, तो कहाँ है, सब अपना कब्जा करके रखे हुए हैं, वो समुदाय भवन थोड़े है वो घर बना दिया गया। तो ये सब पंचायत में देखने को मिल रहा है, वो छिपने का चीज़ है। मनरेगा का कोई काम आपके गाँव में सर? मनरेगा का काम कुछ नहीं हुआ तब तो, वो तो निपा पोती वाला काम हो गया। वृक्षारोपण कुछ सर? कुछ नहीं वृक्षारोपण कुछ नहीं। पोखर खनाई? नहीं कुछ नहीं। पोखर भी कोई खदाई? कोई खनाई नहीं। अरे इधर तो नया में सर कुछ इंद्रावास पोखर खुदाई? कुछ नहीं, यहाँ कुछ एक काम नहीं हुआ है, एक काम की बता रहे हैं, जीरो पर आउट है यहाँ। फिर भी आप लोग सर चुपचाप कैसे हैं? तो आगे, क्या करें चुपचाप? आगे तो अधिकारी बैठे हुए हैं ना ऑफिस में? अधिकारी तो सब अधिकारी तो मिले हुए हैं,
अधिकारी कमीशन नहीं खाता तो क्या बोलेगा? अधिकारी भी कमीशन खाता हो तो क्या बोलेगा? लिखित लोग देता है तो उन्हें सोने सूख जाता है। कुछ बोलना चाहेंगे सर? नहीं नहीं, अब कुछ नहीं, हो गया बस। तो चलिए, तमाम जानकारियां हम लिए, फिर मिलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप भी कमेंट के माध्यम से राय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।